हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है। देखिए, एक सॉफ्टवेयर मैंने क्रिएट किया है। यहां पर जो सबसे मेन टेबल हमारी है वो है स्टूडेंट टेबल। फिर हमने रिलेशनशिप क्रिएट कराया है। अब ये रिलेशनशिप किस किस तरीके से क्रिएट हुआ है, ये आप जब डेटाबेस टूल्स पे जाएंगे, रिलेशनशिप पे जाएंगे, तो ये आप देख सकते हैं ये रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से क्रिएट हुआ है। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट नाम की टेबल है, और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हम सीधा रीडायरेक्ट हो जाते हैं जो हमारी दूसरी टेबल है वहाँ पर। ठीक है, यहीं पर यानी रिलेशनशिप क्रिएट करा दिया है, जिसकी वजह से हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे सीधा। तो लेकिन यहाँ पर एक फॉर्म भी मैंने बनाया है। अब ये स्टूडेंट का फॉर्म है। अब यहाँ पर लिखा हुआ ये मार्कशीट, तो अभी सेलेक्ट क्या है इसमें, रोल नंबर 2 सेलेक्ट है। अगर 1 सेलेक्ट कर देता हूँ और मार्कशीट पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये रोल नंबर 1 वाले स्टूडेंट का, जिसका कि रजिस्ट्रेशन नंबर A01 है, उनकी पूरी मार्कशीट आपके सामने आ जाती है। ठीक है, और फिर आप रिपोर्ट पे जाते हो, तो रिपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ से एक बार रिफ्रेश कर देने से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जाके आपको एक बार रिफ्रेश करना है। इसके लिए मैं कोड भी देना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर रोल नंबर 1 वाले की पूरी मार्कशीट आपके सामने आ जाती है। तो ये मार्कशीट चाहे तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप PDF में भी इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग मैंने करके रखी हुई है। ठीक है, और जब आप प्रिंट करवाने जाएंगे इसको, जैसे मान लीजिए आपको प्रिंट करना है ये मार्कशीट, तो यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन आएगा, और फिर यहाँ प्रिंट प्रीव्यू आप देख सकते हैं, ये आपका मार्कशीट है और इसको प्रिंट करके निकाला भी जा सकता है। यहाँ पर हेडिंग वगैरह भी दे सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर में ये पूरा डिटेल में कि इसके लिए एक क्वेरी भी मैंने लगाई है, वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वो क्वेरी है। यहाँ पर ये इस तरीके से मैंने क्वेरी लगाई है ताकि जब हम स्टूडेंट का रोल नंबर सेलेक्ट करें तो उसी स्टूडेंट का यहाँ पे रिजल्ट शो करें हमें। तो ये क्वेरी हमने लगाई है, ये देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए पूरा डिटेल में अभी मैं एक वीडियो डाल देता हूँ। अभी बस 1-2 घंटे के अंदर ही वीडियो आ जाएगी इसकी। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी भी हो जाएगी। जैसे ये है ना, तो यहाँ पर दिया हुआ है PDF और XPS, तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको पब्लिश कर देंगे तो यहाँ से सेव एंड एक्सपोर्ट करके, फिर यहाँ पर ये सीधा सीधा सेव एंड एक्सपोर्ट पर क्लिक करिएगा तो ये सेव और एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। तो ये देखिए, ये बन गया PDF आपका। ठीक है, और अब आप इसको प्रिंट करते जाइए, निकालते जाइए, नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसको एक्सेल में निकालना तो आप एक्सेल में भी जा सकते हो। तो ये एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा यहाँ पर जा करके, और सेव एंड एक्सपोर्ट सेव ये दे करके, और फिर आउटलुक में जाना नहीं है, और यहाँ से आप सेव एंड एक्सपोर्ट, तो जब सेव कर देंगे तो ये एक्सपोर्ट भी हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आई होप की बात समझ में आई हो।